क्या वो लोग माफी के काबिल हैं जिन्होंने इस कौम को गंदा पानी पिलाया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 11 कंपनियों के मालिकान को आज सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट तलब कर लिया। एतजाज़ अहसन की मुकदमे की समाप्त 30 नवंबर तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। आप क्या चाहते हैं, मैं समझौता करके बरतानिया के दौरे पर चला जाऊँ। चीफ जस्टिस का एतजाज़ अहसन को जवाब, आज पेश न होने पर कंपनीज के मालिकान के नाम ECL में डाल दिए जाएंगे। हेलमेट पहनने की पासदारी, किसका काम, किसकी जिम्मेदारी। पेट्रोल को हेलमेट से मशरूत करने की तजवीज़ अच्छी है, लेकिन अमल दरामद नहीं हो सकता। पेट्रोल ना देने से मुतालिक कोई कानून नहीं। कमिश्नर लाहौर ने CTO की तजवीज़ का जवाब दे दिया। 3 दिन पहले CTO लाहौर का कमिश्नर लाहौर को लिखा मुरासला फूंकाते गया। शहर के 18 बड़े अस्पतालों में से 17 की इमरजेंसी डिजिटल एक्सरे मशीन से महरूम। दहाइयों से सादा एक्सरे मशीन दुरुस्त तशखीस करने में नाकाम। रिजल्ट साफ ना होने पर मरीज के इलाज में मुसलसल कोताही। डॉक्टर मरीज को प्राइवेट एक्सरे करवाने पर मजबूर करने लगे। PMS के तहत अफसरान की भर्ती करने का फैसला। PMS के इम्तिहान के तहत 44 असामियों पर भर्ती की मंजूरी ली जाएगी। 32 असामियों पर ओपन मेरिट, 9 असामियों पर स्पेशल जोन के मुताबिक भर्तियां करने की मंजूरी ली जाएगी। पंजाब हुकूमत ने मुकाबले के इम्तिहान के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को मुरासला भिजवा दिया। सानहे मॉडल टाउन केस पर बड़ी पेशरफ। सुप्रीम कोर्ट ने नई JIT के क्याम के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही करेंगे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा भी बेंच का हिस्सा होंगे। नई JIT बनाने के मामले पर अदालत तलबी, शहबाज शरीफ का पेशी से इनकार। साबिक वजीर आला ने लिख कर दिया, पेश नहीं होना चाहते। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम। शहबाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर ने तैयारी के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। मेरा कोई कसूर नहीं, जो चीफ जस्टिस हुक्म देंगे वो कबूल होगा। गुल्लू भट्ट दौरान समाप्त तस्बीह करता रहा। सानहे मॉडल टाउन के मुतासरीन का सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजाहिरा। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक। अदालत के बाहर शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ की अपील। लार्जर बेंच बनाने के फैसले पर अवामी तहरीक के सरबरा डॉक्टर ताहिर कादरी का खैर मकदम। इंसाफ के लिए सारी उम्र भी लगाना पड़ी तो लगाएंगे। खुरम नवाज गंडापुर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। किस अफसर ने नैब को कितनी रकम वापस की, लाहौर न्यूज ने सुराग लगा लिया। पब्लिक सेक्टर कंपनीज के ब्यूरोक्रेट्स ने मजमूई तौर पर 43 करोड़ 80 लाख रुपए वापस किए। कौमी एहतसाब ब्यूरो को वापस की जाने वाली रकम की तफसील सिर्फ लाहौर न्यूज पर। सबसे ज्यादा 2,83,51,000 रुपए वसीम अजमल चौधरी ने दिए। नासिर जावेद ने 2,07,70,000 रुपए नैब को वापस किए। डॉक्टर सुहेल अनवर ने 1,20,86,000। अकबर नासिर खान ने 1,05,95,000। अली सरफराज हुसैन ने 1,99,17,000 नैब को वापस किए। सुबाई वजीर मियां महमूद रशीद के बेटे के मामले का ड्रॉप सीन, पुलिस का ड्यूटर्न। हसन महमूद समेत तमाम अफराद बेगुनाह, पुलिस एहलकार ही कसूरवार करार। एहलकार नदीम इकबाल, उस्मान मुश्ताक और उस्मान सईद पर महकमे की बदनामी का लगा दिया गया दाग। 20,000 रुपए की रकम छीनी और मजीद 50,000 का मुतालबा किया। तमाम एहलकार आदि मुजरिम हैं। एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज हुई, गिरफ्तार, जबकि स्पेशल रिपोर्ट भी तैयार। नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश, जराए का दावा। कत्ल या फिर खुदकुशी, आरिफ टाउन में घर से 27 साल नौजवान की फंदा लगी लाश मिली। फराज घर दामाद था। वरासा ने फराज की बीवी और उसके घर वालों पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल, जबकि जौहर टाउन B1 ब्लॉक के मकान से शहजाद सलीम नामी 60 साल शख्स की लाश मिली। कई नई फोर्सेज के क़याम के बावजूद भी संगीन जराइम की वारदातें कम ना हो सकीं। रवां साल सूबे भर में अगवा बराए तावान की 45 वारदातें।
कई बच्चों और ख्वातीन को अगवा कर लिया गया। सिर्फ घरों में 12,000 से ज्यादा डकैतियां। डकैती मजामत पर 134 बेगुनाह शहरियों को कत्ल कर दिया गया। कारें और मोटरसाइकिलें छीनने और चोरी की गई। 15,740 वारदातें भी हुई। मुसाफिर खानों की तामीर में पैपरा रूल्स की खिलाफ वर्जियां। लाहौर न्यूज की निशानदही पर पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक्शन ले लिया। टेंडर से कबल रेलवे स्टेशन मुसाफिर खाने पर तामीर शुरू करने पर पैपरा ने एलडीए को नोटिस भेज दिया। टेंडर जारी करने के 15 दिन के अंदर ही तामीरात का आगाज कर दिया गया। बिड खुलने और जमा करवाने की तारीख में मुबैना खिलाफ वर्जी की गई। नोटिस का मतलब चार माह गुजर गए, कंपनीज और अथॉरिटी के बोर्ड तश्कील पाए, ना ही चेयरमैन का तकरर हो सका। अहम नौइयत के मंसूबे रुक गए। सियासी ओहदों पर तायुनाती का इख्तियार वजीर आला के पास है। पंजाब हुकूमत की जानिब से बोर्ड ना बनाना फैसला साजी में बड़ी रुकावट बन गया। अर्बन यूनिट LWMC पार्किंग कंपनी कैटल कंपनी एजुकेशन हेल्थ और फूड अथॉरिटी के इंतजामी अमूर शदीद मुतासर। शहर के मास्टर प्लान 2040 की तैयारी में अहम पेशरफ्त। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के शोबाए प्लानिंग ने महले वकूफ के पेश नज़र तजावीज़ तैयार कर ली। मास्टर प्लान 2040 की तैयारी और अमल दरामद की जिम्मेदारी LDA के सुपुर्द। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने तमाम जोन्स में कमर्शियल इंडस्ट्रियल रिहायशी और खादर एरियाज का असर नौ तयन कर लिया। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा नई हुकूमत के लिए इम्तिहान बन गया। मंसूबे के डिजाइन में तब्दीली और लागत में इजाफे का मुअम्मा हल ना हो सका। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के रिवाइज डिजाइन जबकि महकमा खजाना ने इजाफी लागत की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। जराए का कहना है मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए LDA को जाती वसाइल इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेरे एहतमाम दो रोज़ा सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस तालिबात की जानिब से बारगाह रिसालत में हदिया इनात पेश करके समा बांध दिया गया।